दुनिया में ऐसे बहुत कम ब्रांड हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएं। गुची ऐसे ही ब्रांड में से एक है। गुची मतलब एक्सपेंसिव, यह हमेशा से ओवर द टॉप रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गुची दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। इस वीडियो में हम गुची को जानेंगे कि आखिर कैसे यह दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बन गया। गुचियो गुची ने 1921 में इटली के फ्लोरेंस में इस मशहूर फैशन हाउस की स्थापना की थी। उन्होंने इसे अपने ही नाम से शुरू किया था। गुची ने लंदन के शेबॉय होटल में कुली व लिफ्ट मैन का काम किया। होटल में आने जाने वाले रईस मेहमानों से प्रेरित होकर वह एक फैशन कंपनी फ्रोंजिक में काम करने के लिए घर लौट आए। खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले लेदर फ्रंट को उसी कंपनी में उन्होंने सीखा। अपना ब्रांड लॉन्च करने के बाद सबसे पहले गुची ने लेदर से बने सामान ही बेचे। गुची ब्रांड की शुरुआत तो इटली से हुई थी, लेकिन इसका स्टाइल काफ़ी हद तक लंदन से प्रभावित रहा। गुची की मौत के बाद भी गुची लगातार अच्छा खासा चलता रहा। 1953 में एलिजाबेथ टेलर जैसी सेलिब्रिटी की बैम्बू से बने बैग और हॉर्स बिट लोफर के साथ फोटो वायरल हुई। इसके बाद 1961 में जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी को गुची के बैग के साथ देखा गया तो फैशन हाउस ने इसका नाम बदलकर जैकी कर दिया। गुची के डिज़ाइन पर मोनको की रानी ग्रेस कैली का भी प्रभाव रहा। 1966 में जब उन्होंने बैम्बू से बने बैग को खरीदा तो रोडोल्फो गुची ने उन्हें विशेष रूप से उनके लिए एक फ्लोरल स्कार्फ गिफ्ट में दिया था। बाद में इसे फ्लोरा प्रिंट नाम दिया गया। गुची ने अपना पहला रेडी टू वेयर फैशन शो 1981 में किया था। 80 के दशक की शुरुआत में गुची के पोते भी कंपनी में काम करने लगे थे। उस वक्त परिवार में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था कि गुची की गद्दी पर कौन बैठेगा। रोडोल्फो के बेटे मोरिजियो ने अपने चचेरे भाई और अंकल एल्फो को कंपनी से बाहर कर गुची की गद्दी को अपने नाम कर लिया। इसके बाद 1982 में एक होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट कॉर्प ने गुची के लगभग आधे हिस्से को टेक ओवर कर लिया था। कंपनी में काफ़ी कुछ बदल गया था। परिवार की कलह और टेक ओवर के कारण गुची दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका था। असली बदलाव 1990 में हुआ जब टॉम फोर्ड नाम के एक युवा डिजाइनर की एंट्री हुई। टॉम ने पहले गुची की रेडी टू वियर कलेक्शन को देखा। टॉम 1994 में फैशन हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। इसी दौरान मोरिजियो गुची ने अपने बाकी शेयर भी इन्वेस्ट कॉर्प को बेच दिए। कुछ महीने बाद 1995 में मोरिजियो की हत्या कर दी गई। इसके बाद टॉम फोर्ड ने डिज़ाइन का जिम्मा ऐसे संभाला कि गुची को पुनर्जीवन मिल गया। टॉम को वह डिज़ाइनर माना गया जिसने फैशन की दुनिया को हाइपर सेक्सुअल डिज़ाइन और कैंपेन इमेजिनरी दी। फोर्ड का फॉल 1995 कलेक्शन और मिनी लिस्ट 90 के दशक की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सफलता थी। गुची की जीनियस जीन्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। 90 के दशक में यह जीन्स 2,43,000 रुपये की बिकी थी। उस समय यह दुनिया की सबसे महंगी जीन्स थी। कुछ साल बाद में यह रिकॉर्ड लिवाइस ने तोड़ा। लिवाइस की एक जीन्स 2005 में एक जापानी ने 46,00,000 रुपये में खरीदी थी। ब्रांड मार्केटिंग विज्ञापनों के हिसाब से गुची अपने प्रोडक्ट्स के दाम उतने ही दिखाता है जितना कि उसके खरीदार दे सकें। गुची महंगा है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि गुची अपने खरीदार के रूप में सबको टारगेट नहीं करता। गुची को पता है कि उसके प्रोडक्ट्स लिमिटेड लोग ही खरीदेंगे, इसलिए वो दाम भी उन्हीं लोगों के हिसाब से रखता है। दूसरा, गुची एक ऐसी रणनीति पर काम करता है जो अपर क्लास, प्रेस्टीज और स्टेटस पर जोर देने पर मजबूर कर दे। गुची का मतलब एक्सपेंसिव, यह तो सबको पता है, हर कोई गुची नहीं खरीद सकता। लेकिन यहाँ बात है ब्रांड की और स्टेटस की। अपने आप को अप दिखाने के लिए लोग वही लेते हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो। आखिर यही तो उन्हें एक सेलिब्रिटी दिखाता है। गुची कभी अपने विज्ञापन पर होने वाले खर्च का खुलासा नहीं करता, लेकिन इसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यह इतना महंगा है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो गुची का एक बेल्ट स्टुअर्ट ह्यूजेस बेल्ट की कीमत 1,90,00,000 रुपये है।
क्रोकोडाइल बैग की कीमत 34,83,000 रुपये है, जो कि एक लेडीज़ हैंड बैग है। गुची बाइक जैकेट की कीमत 14,47,000 रुपये है। गुची प्रिंस टाउन लोफर की कीमत 2,00,000 रुपये है। रिहाना को गुची गर्ल के नाम से जाना जाता है। यह एक अमेरिकन सिंगर है और सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस भी है। यह गुची के सबसे महंगे कपड़े पहनती हैं। इसी तरह हैरी स्टाइल को गुची गाय के नाम से जाना जाता है। गुची का ब्रांड इतना बड़ा है कि इसका प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए आपका स्टार होना ज़रूरी है, और यह दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है।